लीथल साबित नहीं हुआ है। दो खिलाड़ी सामने की तरफ, जोनाथन एक अच्छी एम्बिशियस अप्रोच, लेकिन दूसरी तरफ से जेली का ये ग्रेनेड का माल करेगा नियो नजर आते हुए, लेकिन अब इट्स गोना बी अ 1v3 सिचुएशन एंड टीम गॉडलाइक डज इट अगेन। पहला मुकाबला इरांगल का 21 अंक निकाले, दूसरा मुकाबला इतना अच्छा गया नहीं, लेकिन सैनहॉक में जो कमबैक गया वो काफी भारी। और अब सवाल ये उठता है कि जिस कमबैक की उम्मीद कर रहे थे, क्या वो कमबैक आ चुका है? जी अनडाउटेडली 26 रन टोटल वो इस मुकाबले से लेकर के जाएंगे, और एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जो मुकाबला है वो गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स का में देखने को मिलता हुआ। 21 अंक उन्होंने पहले निकाले थे और अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 या 26 अंक वो लेकर के गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वो कमबैक उन्होंने करके आया जब पिछला मुकाबला खराब था। पर जीएलए उनकी भी आप जितनी तारीफ करें उतनी कम रहने वाली है। ऑटोबॉट्स के अगेंस्ट एक जहां पे हमने देखा शुरुआती दो मुकाबले उनके बेहतर नहीं गए, पर टीम जीरो ऑफिशियल ने वो हार नहीं मानी, एक बढ़िया पलटवार उन्होंने भी किया और हम कह सकते हैं कि हाँ सैनहॉक वो मैप ऑफ कमबैक अनडाउटेडली रहने वाला है। एडमिनो उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम रहने वाली है, क्या बेहतरीन खेला वो खिलाड़ी। 8 फिनिशेस हमने देखा था कि वो ऑलरेडी निकाल चुके थे, और टीम गॉडलाइक वो अग्रेसिव टीम गॉडलाइक का जो माइंडसेट है वो फाइनली हमें इस मुकाबले में बहुत बढ़िया देखने को मिला। इस मुकाबले में तो हमें गॉडलाइक का डोमिनेशन देखने को मिला, और खासकर आपने अभी जीएलए की तारीफ की, बट मैं जीवन की भी बात करना चाहूंगा। खासकर जीवन के वो टोनी मौका मिला जैसे स्नीक इन कर रहे थे, अल्टीमेटली इट्स अ टीम गेम, लेकिन कभी कभार हर एक खिलाड़ी के तरफ से भी जो वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आती है वो अच्छा खासा वैल्यू एडिशन देते हैं। जैसे कि अगर हम चिकन डिनर की बात करें, एडमिनो एक तरफा परफॉर्मेंस, पिछला मुकाबला हमारा जो मेरामार का था वहां पे ऑर्लो के द्वारा परफॉर्मेंस अच्छी गई थी, ये मुकाबला ऑटोबॉट्स के लिए इतना अच्छा रहा नहीं, लेकिन शुरुआती फाइट्स काफी अच्छी थी, रिको ने कुछ अच्छे फिनिशेस निकाले।